देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई प्रेस, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। बॉलीवुड में फिल्म निर्माता करण जौहर को एक गॉडफादर के रूप में जाना जाता है, क्योंकि करण जौहर ने कई स्टार किड्स को फिल्मों में मौका दिया है। इनमें से कई तो कामयाब भी हुए हैं। शाहिद कपूर के छोटे भाई ईशान खट्टर को भी करण जौहर ने ही लॉन्च किया था फिल्म धड़क में। धड़क में ईशान खट्टर नजर आए थे श्रीदेवी की बेटी जाह्नवी कपूर के साथ। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कामयाब हुई थी और लोगों ने इसे खूब पसंद किया था। लेकिन ताज़ा खबरों की माने तो ईशान खट्टर को करण जौहर ने अब अपने कैंप से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इस बारे में फिल्म क्रिटिक कमाल आर खान ने एक ट्वीट किया है। उस ट्वीट के मुताबिक ईशान खट्टर ने करण जौहर से ठीक से बात नहीं की, जिसकी वजह से करण जौहर का पारा चढ़ गया और उन्होंने ईशान को अपने कैंप से बाहर निकाल दिया। कमाल आर खान के ट्वीट के मुताबिक करण जौहर ने यह भी फैसला कर लिया है कि वो अब से ईशान खट्टर के साथ किसी भी फिल्म में काम नहीं करेंगे। अब कमाल आर खान के इस ट्वीट में कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन अगर इसमें ज़रा सी भी सच्चाई है तो ईशान खट्टर वाकई में आने वाले दिनों में मुश्किल में पड़ सकते हैं। फॉर मोर वीडियोज़ सब्सक्राइब मुंबई प्रेस, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।